हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में पूरे जोर शोर तरीके से लगे होंगे। दोस्तों आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां दोस्तों जहां से 101% आपकी परीक्षा में, यानी आप कहें तो सेकंड टर्म एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले। जहां दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहां से हर हाल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं क्लास 12 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो चैप्टर जिसमें हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले, उसका नाम क्या है, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। हालांकि आपके पाठ्यपुस्तक में इस चैप्टर नाम क्या दिया गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ठीक है। लेकिन अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके चैप्टर नाम क्या हो चुका है, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान हो चुका है। और इस लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह दोस्तों 1975 में लगाया गया आपातकाल। जी हाँ, आपातकाल के क्या कारण थे, ठीक है, आपातकाल क्यों लगाया गया, आपातकाल के परिणाम, आपातकाल के बाद क्या क्या कुछ परिवर्तन हुए, उन सभी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं दोस्तों। यानी इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में जो सेकेंड टर्म एग्जाम होने वाले उसमें जरूर आएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण 1975 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसकी वजह से 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। अगर हम बात करें दोस्तों तो आपातकाल के बारे में, तो आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन कहा जाता है, ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से इस दिन को जाना जाता है। या आप कह सकते हैं कि 1975 का जो 25 जून को आपातकाल की घोषणा की गई थी, इस दिन को हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का दोस्तों सबसे खराब दिन भी माना जाता है, क्योंकि ये आपातकाल सिर्फ आपातकाल नहीं था, इसमें पूरे नागरिकों का अधिकारों का उल्लंघन कर दिया गया है। आप कहें तो पूरी तरीके सरकार या पूरी तरह शासन व्यवस्था चमड़ा गई थी। बात करते हैं कि आपातकाल के क्या कारण रहे, आखिर क्यों आपातकाल लगाया गया। 1970 के दशक दोस्तों, 1970 के दशक अगर हम बात करें तो 1971 में इंदिरा गांधी को बड़ी जीत मिली और इंदिरा गांधी एक अलग पहचान के साथ सरकार बनाती और पूरी प्रमुखता के साथ कांग्रेस को स्थापित करती है। 1971 में इंदिरा गांधी की जीत के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि 1975 में उसी इंदिरा गांधी को भारत में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी, तो उन्हीं तथ्यों पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला कारण जो माना जाता है आपातकाल का, वो था दोस्तों 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध। यहाँ 1971 का भारत पाकिस्तान के जो काफी महत्वपूर्ण कारण में से एक रहा है। हुआ क्या था दोस्तों, कोई भी युद्ध जब लड़ा जाता है तो उसमें दोस्तों संसाधनों की आवश्यकता होती है और संसाधन बिना पैसों के खरीदे नहीं जा सकते, और जब युद्ध होता है तो युद्ध में हथियार, गोले, बारूद, बंदूकों की आवश्यकता होती है। ऐसे में सरकार द्वारा अपने तमाम संसाधनों का इस्तेमाल युद्ध में कर दिया गया और बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। इसमें बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे पैसे हमारे लगा दिए गए, किसमें, 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और उसमें इंदिरा गांधी के द्वारा ही पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करके एक नया राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। हालांकि इस बात को लेकर इंदिरा गांधी बहुत ही वाहवाही हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी ये, और किसी भी नेता द्वारा इस तरह कोई कदम अभी तक उठाया नहीं गया जो इंदिरा गांधी ने करके दिखाया। बट ये उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से आपातकाल को लगाया गया, ये पहला कारण था। दूसरा कारण दोस्तों बताया कि 1970 के दशक में जो है खाद्यान्न उत्पादन बहुत कम रहा, यानी उत्पादकता बहुत गिर गई क्योंकि मानसून समय पर नहीं आया, मानसून की उठापटक की वजह से कृषि का उत्पादन पूरी तरह से गिर गया। अब जब क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश अभी भी हम हैं, बट पहले हम बहुत ज्यादा निर्भर थे कृषि पर, बट अभी और बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, तो उत्पादकता कम हो गई, ना के बराबर थी, तो फसल जब उत्पादन नहीं होते तो लोगों के पास खाद्यान्न की कमी होने लगी। तो ये भी बहुत बड़ी वजह थी आपातकाल के लागू होने के कारण, जिसे लोग लगातार हड़ताल करने लगे, महंगाई बढ़ गई, उत्पादकता कम हो गई, ऐसे वजह से भी ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तीसरा अगर कारण की बात करें मेरे दोस्तों, तो तीसरा कारण था वो था दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में वृद्धि। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो कच्चे तेल से हम क्रूड ऑयल कहते हैं, उसके दाम में लगातार वृद्धि होगी क्योंकि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था दोस्तों तेल पर ही निर्भर करती है, जब तेल महंगा होता है तो सारी चीज लगातार महंगी होनी शुरू हो जाती है। तो तीसरा कारण माना जाता है अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में वृद्धि होना भी आपातकाल कारणों में से एक माना जाता है। चौथा कारण अगर हम बात करें तो दोस्तों था गुजरात का नव निर्माण आंदोलन। जी हाँ, गुजरात में महंगाई की वजह से छात्रों द्वारा लगातार आंदोलन चलाया जाता है सरकार के खिलाफ,
तरह तरह के आंदोलन हड़तालें हो रही थी, तो ये चौथा कारण माना जाता है। पांचवा कारण अगर हम बात करें तो वो था दोस्तों रेलवे की हड़तालें। रेलवे की तमाम कर्मचारी द्वारा जगह जगहों पर हड़तालें की जा रही थी, रेलवे चलने नहीं दी जा रही, जिससे सरकारी कामों में बाधा उत्पन्न हो रही थी। ये पांचवा कारण से माना जाता है, किसके कारण? आपातकाल लगाने के कारण थे। छठा कारण अगर हम बात करें दोस्तों तो वो था वो जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण का बिहार में जो संपूर्ण क्रांति चलाई गई थी, उस आंदोलन की वजह से भी आपातकाल लगाया गया। ये भी पांचवें कारण में से एक माना जाता है मेरे दोस्तों। छठा और सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों 1900 यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के, जी हाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो निर्वाचन था उसे अयोग्य घोषित कर देना। यानी अब इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायालय के अनुसार, उच्च न्यायालय के अनुसार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं थी, क्योंकि उन्होंने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था। तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से आपातकाल को लागू किया गया। तत्कालीन कानून से प्रमुख में यही माना जाता है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट बस आपको लिख देना है। और इसके अलावा दोस्तों ये सभी चीजों को पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा संपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जल्दी दोस्तों हमारे चैनल पर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को प्यार दिए, लाइक शेयर कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते हैं और गारंटी में लेता दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मेरे करावे बाहर नहीं आएगा आपके पेपर में, मैं गारंटी देकर कहता हूँ। आप चाहे प्री बोर्ड देख लीजिए, प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन मैंने बोला वही क्वेश्चन आए, और बोर्ड में भी बोलता हूँ वही क्वेश्चन आएंगे। बस आपको क्या करना, तैयारी करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल के परिणामों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों जब 25 जून को अर्धरात्रि को इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई, उस समय फखरुद्दीन अहमदाबाद के राष्ट्रपति थे ज्ञान जंग सिंह के माध्यम से। तो जब आपातकाल की घोषणा की गई तो क्या परिणाम हुआ आपातकाल के, तो अखबारों की लाइट तुरंत ही काट दी गई। ठीक है, भारत में प्रेस सेंसरशिप लागू कर दिया गया। अखबारों को कुछ भी लिखने कुछ भी छापने से पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। नेताओं की धर पकड़ की गई, जी हाँ नेताओं की धर पकड़ की गई, उन्हें नजरबंद कर दिया गया। नागरिकों के अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, राइट टू स्पीच को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इवन नागरिकों के अपने मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध जो न्यायालय में जा सकते थे ये मौलिक अधिकार उनसे छीन लिया गया। तमाम प्रकार से आपराधिक तत्वों का उगा हो गया। और अगर हम बात करें तो इसमें न्यायपालिका ने भी सरकार का साथ दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी तरह से सिद्ध कर दिया गया था कि अगर न्यायपालिका सरकार का साथ नहीं देगी तो वो न्यायपालिका को भंग कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों पुलिस प्रशासन और सरकार ने मिलकर नागरिकों के साथ बहुत सारा भेदभाव किया। ये काफी चीजें हुई हैं इस आपातकाल के परिणामों के बाद। जबरदस्ती लोगों को निवारक नजरबंद कर दिया गया, नसबंदी की गई, ठीक है, जबरदस्ती तरीके से। तो ये सारे परिणाम रहे किसके, आपातकाल के दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया 25 जून 1975 को आपातकाल घोषणा सीखे गए पाठों का विश्लेषण कीजिए। ये वो सारे क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए और बार पूछे जाएंगे। कम से कम ये जो 6 क्वेश्चन दोस्तों, 7 क्वेश्चन मैंने लिखा, कम से कम 2500-2600 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड परीक्षा में, राइट। तो इस बार ही पूछे जाएंगे। तो आपातकाल से क्या सबक मिला, क्या सीख मिली दोस्तों? सबसे पहले अगर हमने देखा तो आपातकाल से ये सीख मिलती है कि दोस्तों कि जो हमारे लोकतंत्र में जो लूज होल थी कि आसानी से भी कोई भी आपातकाल लगा सकता था, ये तो एक लूज होल हमारे लोकतंत्र में उजागर हुई। दूसरा हमें ये भी बहुत बड़ी चीज मिली कि भाई भारतीय लोकतंत्र को आसानी से दबाया नहीं जा सकता, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, जैसे हमने आपातकाल पर दोबारा से लोकतंत्र को उतनी मजबूती से पकड़ा। तीसरा अगर दूसरे अगर हम बात करें तो आपातकाल में नागरिकों के अधिकारों का हनन कर दिया गया। और उसके बाद हमें और क्या सबक मिली कि भाई नागरिकों ने अपने अधिकारों को पूरी तरह जानने की कोशिश भी की। अब नागरिक पहले से कई ज्यादा तरीके से, पहले से अच्छे तरीके से अपने अधिकारों के बारे में जानने लगे और अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानने सीखने लगे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जैसे आपातकाल के दौरान जो सबक मिला कि भाई किस प्रकार से सत्ता और प्रशासन एक साथ मिलकर जो काम करते वो गलत था, लेकिन बाद में आपातकाल के समाप्त होने बाद जो संशोधन किए गए उससे हमारा लोकतंत्र बहुत ज्यादा मजबूत हुआ। जैसे अगर हम बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के बाद धर्म निरपेक्षता सब जोड़ा गया, ठीक है, समाजवाद सब जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। तो ये कुछ काफी सहयोग चीज थी जो हमें आपातकाल के बाद देखने को मिली। यानी बहुत सारी चीजों के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को और कहीं अधिक मजबूत किया गया आपातकाल के बाद। ठीक है, तो ये कुछ पाठ सीखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल को भारतीय राजनीति की सबसे विवादास्पद घटना क्यों समझा जाता है? दोस्तों ओबीसी बात है, आपातकाल को भारतीय राजनीति का सबसे विवादास्पद घटना समझा जाता है क्योंकि इसे भारतीय लोकतंत्र के काले दिन के रूप में याद किया जाता है। आज भी जब हमने लोकतंत्र को याद करते तो ये काले दिन हमेशा याद रहता है कि भाई 25 जून 1975 को भारत में एक आपातकाल लगाया गया जिसमें नागरिकों के अधिकारों को पूरी तरह से उल्लंघन किया गया, हमारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, सोचने समझने की क्षमता को समाप्त कर दिया गया, राइट टू स्पीच को समाप्त कर दिया गया। ठीक है,
प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई, नागरिकों को नजरबंद कर दिया, नेताओं को धरपकड़ की गई, ठीक है, आंदोलन करने के अधिकार को छीन लिया गया, हड़ताल करने के अधिकार को छीन लिया गया, तमाम प्रकार से। इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए, और ये हमारे लोकतंत्र के सबसे विवादास्पद घटनाओं में से, सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक माना जाता है 1975 का आपातकाल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 में लगाए गए आपातकाल से असहमति तथा विरोध के रूप में घटित गतिविधियों को उजागर कीजिए। दोस्तों 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। विरोध स्वरूप उन्होंने, जैसे एग्जाम्पल, जब प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, तो कुछ अखबारों ने सरकार की पैरवी करते हुए अखबार छापने शुरू कर दिए, बट कुछ अखबारों ने जिस खबर को सरकार ने छापने से मना कर दिया, विरोध स्वरूप उन्होंने उस स्थान को खाली छोड़ दिया और वहां कुछ भी नहीं छापा। इसके साथ साथ कुछ अखबारों ने अखबार छापना ही बंद कर दिया विरोध के स्वरूप, और सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे, ठीक है, लोगों ने हड़तालें शुरू करी, बाद में नेताओं को ने भी कई प्रकार आंदोलन किए। तो जो भी सरकार के इस फैसले से नाखुश थे, वो सरकार का विरोध कर रहे थे, और बाद में इसके फलस्वरूप 1977 में जब भारत में लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, तो इसमें इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। तो विरोध स्वरूप भी कांग्रेस को हार, बहुत बड़ी हार मिली थी, यानी उसके बाद कांग्रेस सही से उभर भी नहीं पाई, और आज कांग्रेस का आप हाल देख ही रहे हैं कि अब विपक्ष में भी कांग्रेस पूरी तरह से नदारद दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 के आपातकाल में उजागर हुई भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों और ताकतों की किसी किन्हीं तीन बंदों वर्णन कीजिए। तो कमजोरी और ताकत दोनों उजागर हुई थी किस, कब, हमारे 1975 में जो आपातकाल लागू। कमजोरी ये थी कि आपातकाल को, दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय, अगर भारत के संविधान की बात करें, तो आपातकाल को 352, 356 और 360 के माध्यम से लगाया जाता है, अनुच्छेद 352, 356, 360। बट अब आपातकाल दोस्तों पहले लगाया गया था आपातकाल, वो आंतरिक गड़बड़ी के माध्यम से, जो शब्द इंदिरा गांधी ने यूज किया था वो सब था आंतरिक गड़बड़ी की वजह से लगाया गया आपातकाल। बट ये हमारे लोकतंत्र की कमजोरी थी, जिसे बाद में इस आंतरिक गड़बड़ी के शब्द को हटा दिया गया, ये हमारी सीख थी। और आंतरिक गड़बड़ी को हटाकर हमने क्या लगा, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया, यानी अब आंतरिक गड़बड़ी की वजह से आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। पहले जब आपातकाल लागू किया गया था, जो हमारे लोकतंत्र की कमजोरी थी कि आपातकाल को लागू करने से पहले संसद के दोनों सदनों से सलाह मशवरा नहीं किया गया था, इंदिरा गांधी ने स्वयं ही आपातकाल की घोषणा कर दी। लेकिन अब आपातकाल लागू तब किया जाएगा जब संसद के दोनों सदन जो है सही रूप से, यानी आप कह सकते हैं दो तिहाई बहुमत से बिल पारित करेंगे, तभी आपातकाल को लागू किया जा सकता है, और वो भी सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से। अगर हम पर आक्रमण होता है या भारी विद्रोह, तभी हम आपातकाल लागू करेंगे, अन्यथा इन छोटी छोटी चीजों से हम आपातकाल को लागू नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी सीख थी और ये बहुत बड़ा परिवर्तन भी था हमारे आपातकाल, कमजोरी के बाद रोजगार ताकतें हुई। आपातकाल ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय लोकतंत्र को इतनी आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता, हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और आज हम अपने लोकतंत्र के 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, 75वां वर्ष मना रहे हैं, और जिसमें हमने आसानी से अपने आप को आज अभी तक स्थापित किया हुआ है। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि हमने अपने आप को इतने बड़े घटना के बावजूद भी इतने सही तरीके से स्थापित किया हुआ है, ये हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। आपातकाल के बाद दोस्तों नागरिकों ने अपने अधिकारों को पहचानना शुरू कर दिया, यानी पहले से कई गुना अधिक नागरिक अपने अधिकारों की समझ रखने लगे, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत हुई। बाद में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए गए जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को बहुत अधिक मजबूत किया, जिसमें आप देख सकते हैं 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं बाद में आकर अभी वर्तमान में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे, तो 1975 में आपातकाल घोषणा करते हुए सरकार ने कई कारण गिनाए थे, लेकिन कई कारणों में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि भाई सरकार ने, इंदिरा गांधी ने ये बताया था कि भाई इंदिरा गांधी जो है ने कहा था कि कुछ लोगों द्वारा जो है सरकार को कामों में अड़ंगा डाला जा रहा है, सरकारी कामों का अवरुद्ध किया जा रहा है, सेनाओं को भड़काया जा रहा है, ठीक है, और लोकतंत्र को गिराने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, और आंतरिक गड़बड़ी पैदा की जा रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण गिनाए थे जिसने इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने के लिए। इसमें उन्होंने एक जना यानी जेपी जयप्रकाश नारायण का भी नाम लिया था कि एक जना जो है वो सेनाओं को भी भड़का रहा है, किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और सरकारी कामों में बाधा उत्पन्न की जा रही है, सरकार को यानी चुनी हुई सरकार को काम करने से रोका जा रहा है, लोकतांत्रिक सरकार को काम करने से रोका जा रहा है, नीतियों का उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है सर, और बहुत सारे चीजें बताई गई थी जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था कि इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल की घोषणा की थी तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपातकाल आपके भले के लगाए जा रहे हैं, इससे अब किसी प्रकार अधिकार उगाना नहीं हो और आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट आपातकाल जब लागू किया गया तो उसके पीछे बहुत सारे द्वंद्व भरे, या आप कह सकते हैं कि बहुत से लोग इस पक्ष में रहे, बहुत से लोगों ने इसके में उसको खिलाफ बातें की,
तो कुल मिलाकर देखा जाए कि भारतीय लोकतंत्र के जो आपातकाल में जो आपातकाल लगा वो सही नहीं था, और कुछ हद तक हम कह सकते सही भी था, बट मिला जुलाकर देखे तो आपातकाल लोकतांत्रिक देश को कमजोर करता है। और आपातकाल के परिणामों में भले हमें इसमें काफी अच्छी चीजें मिली, भले हमारे नागरिक अधिकारों को समझने, सोचने और करने में असफलता मिली, बट कहीं ना कहीं आपातकाल को गलत तरीके से प्रयोग किया गया, यानी शासन और सत्ता का दुरुपयोग इसमें किया गया था। दोस्तों आई होप आपके वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी जरूर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, तब पॉलिटिकल मास्टर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।